नहीं होता है। यहाँ के शिकार में से मसाला निकाल के बीड़ी बना के होलसेल में डीलिंग करता है बॉस, आपसे ज्यादा तो ये कमा लेता है बॉस। ओए फालतू बात मत कर मेरे सामने फालतू बात मत कर। मैं बॉस का सिगरेट चुराता है, बॉस का सिगरेट चुराना जैसे तैसे बच्चों का काम नहीं है, मेरा बड़ा टैलेंट है इसलिए हम चुराता है। क्यों बॉस अपन टैलेंट है ना, काम नहीं है कि नहीं है उसको समझ में नहीं आता, सारा दिन ऐसे खड़ा होता है। अपन गेम भी खेलता है पर सिगरेट भी चुराता है, कैसा इंसान आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बॉस आज न्यूजीलैंड का एक फंटा रहा है बॉस, सुना है न्यूजीलैंड में बहुत नाम कमा रहा है, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना उसका बॉस। बॉस की पहचान जान से कब्रिस्तान तक होती है, जब आवाज निकलती है तब जान तक जाती है और दुश्मन कब्रिस्तान तक। Hey man, this is 1G. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now I'm still knife in a windpipe. I can't breathe but still fight. Well, I can't fight as long as you wrong feet. Like a little flag. Man, myself is the 1G, the mountain man. What are you looking at, man? Hey, what are you looking at? My name is 1G, the mountain man. Hum, bada bada, mountain pe, climb kata hai. Aasman se, parachute ka zariye, chhat maarta hai. Genius world record me, tumhara naam hai, nahi hai. Tumhara hai, nahi hai, tumhara hoi nahi sakta hai. Apna naam, hey man, isliye hum, the world genius hai. इसका पासपोर्ट गुम हो गया है बॉस, ये पासपोर्ट का वास्ते अपने पास आए ले। अबे ये पासपोर्ट ऑफिस है क्या? अपुन तेरे को पासपोर्ट का एजेंट लगता है क्या? Hey man, हमारा बात सुनो। हम आसमान से फ्लाइट करता हुआ गटर में घुस गया, फिर गटर में क्या हादसा हुआ क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया। यहाँ पे बॉस के पास पासपोर्ट का कंप्लेन लेके आए। Hey man, हम न्यूजीलैंड से माउंट क्लाइंबिंग का कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पे आया, हमने माउंट क्लाइंबिंग किया, पार का चोटी से पैराशूट फेंक के छप मारा, हमने जैसे ही पैराशूट खोला एक कौवे का बच्चा आके हमारा पैराशूट में खटक कर डाला, पता नहीं किससे नाम का बदला लिया उस कौवे ने, हम ऊपर से नीचे आके गटर में घुस गया। जैसे ही सामने देखा हमने तीन लोग बैठा हुआ जब बीड़ी पी रहा था, उनमें से दो लोग उठ के हमारे पास आया, हमको जो डाला हमारा बेटा ही कर डाला, हमारे पासपोर्ट ले लिया, हमारा सब कुछ ले लिया। हम सुना है तुम यहाँ का इंसाफ करने वाला बंदा है, हमको हमारा पासपोर्ट चाहिए, वो जो गजर चाहिए, हम उसके लिए हमारा ये बचपन से पहना हुआ है फोन तुमको गिफ्ट कर देगा मैम। हे जिन का बच्चा तुम हंसते क्यों है? हे मैम, ये तो हमारा पासपोर्ट है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? अबे गटर का ढक्कन तो मैंने बंद कर दिया था, तू बाहर कैसे निकला? तू अरे तेरा शक्ल पे लानत आई, तेरा जिंदगी पे लानत आई, तुम दोनों जोकर का शक्ल पे लानत आई, तुम कैसा इंसान है कैसा जोकर को नौकरी पे रखता है, शर्म नहीं आता है तुम लोगों को? बॉस पटेल और वे अंडरग्राउंड में डीलिंग का वास्ते गया था, वो इंसान का जिस्म और गधे का मुंह वाला जिनका बच्चा, उसको अंडरग्राउंड नहीं गटर बोलता है, तुमको अंडरग्राउंड और गटर में फर्क नहीं मालूम पड़ता है, तुमको वहां पे बदबू नहीं आता है। ए, उसको गटर नहीं बोलने का, अपुन ने उसका नाम अंडरग्राउंड डिसाइड किया है। बॉस पटेल और वे ग्लैंग के साथ अंडरग्राउंड में डीलिंग कर रहा था, तभी जे आसमान से वंजी लेके टपका अपना क्लाइंट के ऊपर, अपना क्लाइंट उधर ही टपक लिया, इसका एक हाथ में वंजी था जो अपुन का मुंह में इसने गटर समझ के घुसेड़ दिया, और इसका दूसरा हाथ में कैंची था जो हथेले का सर को नाड़ी समझ के इसने फोड़ डाला। बॉस अबे कैंची लेके तू गटर में क्यों घुसा था? एक तो तूने मेरे सर के अंदर कैंची घुसेड़ दी, ऊपर से सारा मेरा दिमाग का बाल काट दिया तूने। Hey man, तेरे जैसा मुंह वाला एक खाना खाना कौवा हमारा दुश्मन है,
हम जब भी फ्लाइंग करता है वो आता है हमारा पैराशूट में खटक करता है। हमारे हाथ में वो जब भी आएगा हम उसका सारा फर काट देगा, उसका चोंच भी काट देगा, इसलिए हम कैंची रोकता है। बॉस अपना 3 करोड़ का क्लाइंट इसने टपका डाला, इतना रोकड़ा ये कैसे डीला करेगा? Hey man, वो 3 करोड़ का डीलर नहीं था, वो 3 रुपए वाली बीड़ी का डीलर था। जब हम गटर में गिर रहा तो ये दोनों जोकर उसको जबरदस्ती बीड़ी बेच रहा था, वो नहीं ले रहा था, तो इन दोनों जोकर ने उसको मार मार के उधर छोला डाला। हमको इन दोनों जोकर ने देख लिया, हमारे पास आया, हमको धोया। क्यों धोया? हम बाहर जाके मुंह नहीं खोजे इसलिए। और फिर ऊपर से लोगों ने गटर बंद कर दिया और भाग गया। बॉस एक तो अपना क्लाइंट को मार दिया, ऊपर से अपने ऊपर इंजाम लगा रहा है, 3 करोड़ पे कैंसिल, 6 करोड़ रुपया मांगता है। हे तुम लोग, 6 करोड़ रुपया वसूल करना मांगता है? हे मैन, 6 करोड़ रुपया क्या होता है? हमने हमारा पूरा जिंदगी में 6000 एक साथ नहीं देखा है, तू 6 करोड़ कैसे देगा? हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि 6 करोड़ 6000 से ज्यादा होता है कि 6000 से कम होता है। हे मैन, क्या तुम हमको बताएगा 6 करोड़ का कलर कैसा होता है? चल तेरे को कलर दिखाता है, जब दोनों हाथ तेरे पैर के अंदर घुसेगा और दोनों किडनी बाहर निकालेगा तब तू उसका कलर देख लेना कैसा है। हे मैम, एक तो हमारा पासपोर्ट लेता है, ऊपर से हमारा धुलाई करता है, ऊपर से हमारा किडनी निकालने का बात करता है। किडनी तो निकालना ही मांगता है भाई। हे मैम, तुम 2 किडनी चाहता है, हम तुमको 6 किडनी देता है। तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको 2 किलो बकरे का किडनी ला के देता है, उसमें 6 किडनी आता है, चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। वो बकरे का किडनी तेरे अंदर फिट करेगा, तेरा 2 किडनी हम रखेगा, तब तेरे पास 6 किडनी हो जाएगा, 3 इधर 3 इधर, फिर तुम बकरे के माफिक दौड़ेगा। ये तुम कैसे बात करता है? और तुम्हारा नजर आया, तू तेरा दिल निकाल के बकरे का दिल फिट करेगा, तेरा मुंडी उखाड़ेगी ये बकरे का मुंडी फिट करेगा, तेरा हर पार्ट निकाल के ये बकरे का पार्ट फिट करेगा, और तेरा चमड़ी भी उखाड़ेगा और बकरे का चमड़ी लगाएगा, तेरे को पूरा बकरा बनाएगा और तेरे को उसी कसाई के पास जाके बेचेगा जहां से 2 किडनी लाएगा तू। जब वो कसाई तेरे मुंडी पे छुरी फेरेगा तब तेरे को पता चलेगा किसका मामू बना रहा था तू। ए अपुन को लगता है इसका सांस इधर ही चटक जाएगा, इसका किडनी रहने दे, इसको आसपास का गटर साफ करवा के वटने दे। बॉस अपुन उसको गटर के पास ले गया। बॉस उसने अपुन को धक्का मारा बॉस और खुद चूहे के माफिक गटर में घुस गया और ऊपर से उसने गटर का ढक्कन बंद कर दिया। बॉस अपुन ने जैसे तैसे गटर का ढक्कन खोला, देखा तो वो बाइक स्टार्ट कर रहा था। बॉस अपुन ने भी गटर के पास जो साइकिल पड़ा था उसको उठाया और गटर में फेंका। अपुन भी चप मारा बॉस, उसका मच्छी हमारे मुंह में पूरा घुस गया, फिर भी अपुन ने उसका पीछा किया। बॉस वो न्यूजीलैंड बाहर निकला बॉस गटर के रास्ते से, अपुन फिर वापस उठा के आ गया। बॉस अपुन ने आज बहुत मेहनत किया, बॉस बहुत मेहनत किया बॉस आज अपुन ने। मेहनत तो बता भी करता है मगर वो किसी को सुनाता नहीं है और उसको कुछ मांगता भी नहीं है। अबे तू चुप करना, अपुन को 1 सब्सक्राइब मांगता है।